मूवी शुरू होती है और हम लैम नाम के एक हिटमैन को देखते हैं जो अपनी ड्यूटी से घर वापस आता है और वह देखता है कि उसके पूरे परिवार को किसी निर्दयी माफिया ने बेरहमी से मार दिया है। यह देखकर वह रोने लगता है। दुख और क्रोध से भरा लैम हथियारों से भरा एक बॉक्स को खोलता है और वह प्रण लेता है कि ऐसा करने वाले लोगों को वह जान से मार देगा और वह उसमें से एक हथियार को लेकर एक बड़े से आलीशान बंगले की ओर आगे बढ़ता है और अंदर आते ही उन गैंग के सभी लोगों से फाइट करता है और वह उन सभी माफियों के समूहों को मार देता है। सबसे निपटने के बाद लैम उस गैंग के लीडर पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लैम पहले से काफी बदल गया है और वह अपने रोजी रोटी के लिए मार्केट में छोटे मोटे काम भी किया करता है और अपना जीवन खुशी से बिताता है। एक दिन लैम अपने पुराने घर आता है। अब वह एक दूसरी शादी भी कर लिया था और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम हियन था। हियन की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उससे उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी के समान मानती थी और उससे बहुत प्यार भी करती थी और उसे कभी ऐसा एहसास नहीं होने देती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। हियन एक दिन अपने सौतेली माँ से कहती है कि वह एक टीएन नाम के लड़के से मिली थी जो हमें जॉब के बारे में बता रहा था। हियन की सौतेली माँ यह सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि टीएन से वह कब मिली थी और वह इसके अलावा उससे और क्या पूछा था। हियन बताती है कि वह उसे एक हफ्ते पहले मिली थी। यह सुनने के बाद वह हियन को जॉब पर जाने के लिए मना करती है। तभी लैम यहाँ आता है और हियन उससे अपने गांव जाने के लिए जिद करती है, लेकिन वह भी इसके लिए मना कर देता है। हियन इन सब की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और गुस्से से खड़ी हो जाती है और वह अब इन दोनों के बिना इजाजत के गांव जाने के लिए उनसे गुस्से से बात करती है। लैम हियन को समझाता है और उसे गांव जाने का इजाजत दे देता है। अगले दिन हियन अपनी बैग लेकर टियन की बाइक पर बैठती है। तभी यहाँ एक दर्जी उन दोनों को जाते हुए देख लेता है। शाम को हियन की सौतेली माँ बहुत परेशान हो रही थी। तभी हियन उसे कॉल करती है और बताती है कि वह आराम से पहुंच गई है, लेकिन उसकी सौतेली माँ को यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह उसे अपने से दूर नहीं रखना चाहती थी और कहती है कि वह जल्द से जल्द वहाँ से वापस चली आए। तभी हियन के पास एक लेडी आती है और वह उससे बातचीत करती है। उधर टियन अपने गैंग के साथ हियन की ओर आ रहा था। वह हियन के पास आता है। हियन यह देखकर डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, लेकिन टियन की गैंग उसे पकड़ लेते हैं। उधर हियन की सौतेली माँ घबरा रही थी क्योंकि उसका कॉल भी नहीं लग रहा था और वह रोने लगती है और लैम से कहती है कि रात 2 बज रहे हैं और हियन की कॉल भी नहीं लग रही है, न जाने वह कहाँ और किस हाल में होगी। अगली सुबह लैम और हियन की सौतेली माँ पुलिस स्टेशन आते हैं और हाइन की गुम होने का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। ऑफिसर पूछता है कि आपकी बेटी कब गुम हुई थी, क्योंकि ऑफिसर को इससे पहले भी ऐसे 4 केसेस आ चुके थे जिसमें लड़कियों को किडनैप किया गया था। ऑफिसर उनसे 40 घंटे का टाइम मांगता है और लैम से कहता है कि वह भी अपने पड़ोस के लोगों से इसके बारे में पूछताछ करे। अगले दिन लैम हियन की तलाश में बाइक से शहर की ओर निकल जाता है और वह जगह जगह पर लोगों से हियन के बारे में पूछताछ करता है। अचानक उसकी मुलाकात पड़ोस के एक दर्जी से होती है और लैम उस दर्जी से हियन के बारे में पूछता है। दर्जी लैम को बताता है कि कुछ दिन पहले वह यहाँ कुछ लोगों के साथ सेल्फी ली थी और वह उस सेल्फी को लैम को दिखाता है। उस सेल्फी में लैम एक लड़के की फोटो को देखता है, जिसे देखकर लैम को पूरा विश्वास हो जाता है कि हायन उसी लड़के के साथ लापता हुई है जिसने उसे कुछ दिन पहले जॉब के लिए उससे कहा था। लैम अपनी मदद के लिए अपने पुराने दोस्त लू के पास आता है। लू अपने शहर का गिरोह लीडर था। लैम लू से बताता है कि उसकी बेटी कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ जॉब के लिए गई थी, लेकिन वह अभी वापस लौट कर नहीं आई। लैम लू को उस लड़के की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर लू घबरा जाता है क्योंकि वह जानता था टियन एंड्रेज लड़कियों को किडनैप करने के वाले गिरोह के द्वारा नेतृत्व किया गया है, लेकिन लैम लू का दोस्त होने के नाते वह उसके इस मामले में उसकी मदद करेगा। लू अपने साथियों से टियन के स्थान को पता लगाने का आदेश देता है। कुछ समय बाद लू का एक साथी बताता है कि वह एल के समूह को जानता है जो इस समय मसाज पार्लर में काम करता है। लैम लू से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वहां से जाने ही वाला था। लू उसकी सुरक्षा के लिए अपने साथियों को उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन लैम उसके इस मदद के लिए आभार व्यक्त करते हुए उससे मना कर देता है और फिर वहां से मसाज पार्लर की ओर निकल जाता है। जैसे ही अंदर जाने लगता है तब उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो अपने आदमियों से लैम को मारने के लिए कहती है और वे इन पर हमला करते हैं, लेकिन लैम इन सबको बड़े ही आसानी से मार गिराता है और टियन के कमरे में प्रवेश करता है जहां टियन अपनी बॉडी को मसाज करवा रहा था। वह उसके पास आता है और उसे पीटने लगता है और गुस्से से पूछता है कि हाइन कहाँ है।
टियन बताता है कि वह उसे इंटरनेशनल माफिया को बेच दिया है, लेकिन वह इस समय कहाँ है वह नहीं जानता। टियन लैम को बताता है कि उसे थीएनएच नाम के आदमी की तलाश करनी चाहिए, वह उसे इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकता है और वह इस समय सेंट्रल मार्केट की ओर हो सकता है। लैम वहां से तुरंत जैक की तलाश करने के लिए सेंट्रल मार्केट में आता है और वह जैक को देख लेता है। जैक लैम को देखकर भागने लगता है। लैम उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन मार्केट में भीड़ होने की वजह से लैम एक कार से टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाता और जैक वहां से भाग जाता है। तभी यहां पुलिस की एक टीम आती है और वे उससे ऑफिस आने के लिए कहते हैं। जब लैम यहां आता तो वह पुलिस ऑफिसर लैम से टियन का पीछा करने का कारण पूछता है। वह बताता है कि जैक के समूहों ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है। ये सुनकर ऑफिसर कहता है, हम आपकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे और वह अपना ख्याल रखें। उधर टियन अपना बदला लेने के लिए एलएम की पत्नी को मारता है। तभी लैम यहां आता है, लेकिन टियन के आदमी लैम को भी मारते हैं। लैम अपनी पत्नी को बचाने के लिए उन लोगों से मार खाता है। अब लैम नीचे गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता। तभी वहां पड़ोस का एक आदमी आता है और उन लोगों को बताता है कि बाहर पुलिस आने वाली है, लेकिन जब वे बाहर देखते हैं तो वहां एक लेडी खड़ी थी जो यह सब देख रही थी, और वे लोग यहां से चले जाते हैं। उधर लैम को होश आता है और वह धीरे धीरे अपने पत्नी के पास आता है और उससे वादा करता है कि वह एक दिन उसकी बेटी को अवश्य ढूंढ निकालेगा। ये सुनकर उसकी पत्नी उसके गले लगकर रोने लगती है। अब हमें टियन को दिखाया जाता है कि वह हाइन के साथ और कई अंडरएज लड़कियों को किडनैप करके एक खुफिया जगह पर रखा है, और इन्हें अगली सुबह इन सबको यहाँ से दूर एक बड़े शहर में भेजा जाएगा। यहाँ हम तुंग नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया के बॉस से मिलते हैं। वह एक लेडी के साथ टियन पास आया था। टियन हाइड को बेचने से मना करता है क्योंकि टियन बताता है कि उसकी कोई माँ नहीं है, बल्कि उसकी एक सौतेली माँ है जो उसे अपने बेटी की समान मानती है। इसीलिए उसका पति इसे चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढ रहा है और वह अपने गैंग के लोगों पर हमला कर रहा है, जिसे सुनकर वह पास खड़ी लेडी से अपने इशारे में टियन को मारने के लिए कहता है। लेडी तुरंत उसका गला दबाकर उसे जान से मार देती है। उधर लैम ऐसे आदमी के पास आता है जो उसके जैसे हिटमैन हुआ करता था। वह उस आदमी से बताता है कि हमारी बेटी को एक अंतरराष्ट्रीय माफिया ने किडनैप कर लिया है। उस गैंग की देखरेख टुंग नाम का एक आदमी करता है और उसके साथ एक लेडी भी है जो अंडरएज लड़कियों को अपने जाल में फंसाती है और उनको टुंग के हवाले करती है। वह हिटमैन बताता है कि टुंग किडनैपर के साथ साथ एक आर्ट गैलरी का मालिक भी है। उसी रात लैम अपनी बाइक से सीधा वह टुंग के आर्ट गैलरी के पास आता है और अंदर जाने से पहले उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है और वह उस आदमी को अपना नंबर और कुछ कार्ड देता है और उससे कहता है, यदि मैं उस घर के अंदर से बाहर न आ पाऊँ तो वह उस कार्ड को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। इसके बाद वह उस आर्ट गैलरी में प्रवेश करता है। यहाँ उसे कुछ मूर्तियाँ दिखाई देती हैं जो बिल्कुल इंसान की तरह दिख रही थी। वह उनके पास आता है और अचानक वे इस पर हमला करती हैं। लैम इन सबसे फाइट करता है और चतुराई से छिपे हुए मूर्तियों के पीछे गैंग के लोगों से एक एक करके उनका सामना करता है, और जब वह अगले कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ महिला योद्धाओं की मूर्ति दिखाई देता है। अचानक वे मूर्तियां उन पर अटैक करती हैं और पिछले गैंग की तुलना में ये अधिक शक्तिशाली होती हैं। हालांकि लैम निरंतर इनसे फाइट करता है और वह उन सबको मार देता है और कमरे के चारों तरफ टुंग को ढूंढने लगता है। अचानक उसके ऊपर एक जाल गिरता है और वह उसमें फंस जाता है और तुंग के आदमी उसे घसीटते हुए टुंग के पास लाते हैं। टुंग लम से कहता है कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो और अब हम तुम्हारी बेटी को यहाँ से दूर एक बड़े माफिया के पास बेच देंगे और वह उसके शरीर की एक एक अंग को निकालकर भेज देगा, और वे उसे बेरहमी से पीटते हैं और उसे वहां से ले जाने के लिए कहता है। उनमें से उनका एक साथी कहता है कि वह उस अस्पताल में गया था जहां उसकी पत्नी एडमिट है। वह वहां एक डॉक्टर के रूप में जाता है और वह उसकी पत्नी का गला दबाकर उसे बेरहमी से मार देता है, और वह उसके पत्नी के गली का लॉकेट लैम को दिखाता है, जिसे देख लैम बहुत गुस्सा हो जाता है और उस आदमी के ऊपर हमला करने के लिए उसकी ओर झुकता है। लेकिन वह आदमी लैम को एक बिजली का झटका देता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। उसके आदमी उसे उठाकर बाहर ले जा रहे थे, तभी अचानक एक कार आती है और कार में बैठे लोग उन लोगों से लैम को छुड़ाकर अपने कार में बैठा लेते हैं
और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह लाम को जब होश आता है तब वह अपने सामने लू को देखता है। लाम लू को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। लू लाम से उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। लैम बताता है कि उस गैंग के लोगों ने उसे भी मार दिया। यह सुनकर लू हैरान हो जाता है और वह हाइड के बारे में मिली इन्फॉर्मेशन को उससे बताता है। वह बताता है कि हाइड इस समय टीएन के समूह के साथ विदेश जाने वाली शिप पर है और वह जल्द ही वहां से निकलने वाली है। लैम उसे बचाने के लिए वहां से निकलता है लेकिन लू उसे रोकता है और कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे क्योंकि तुमने वैसे ही अपने बहुत से लोगों को खो दिया है। इस बार हम तुम्हें उनके पास अकेला नहीं जाने देंगे। लेकिन लैम वहां से अकेला निकल जाता है और वह बंदरगाह पर आता है और एक बोट को लेकर हायत को खोजने के लिए एक बड़े समुद्र में निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बहुत बड़ा सबमरीन दिखाई देता है। वह जल्दी से उसके पास आता है और उस सबमरीन पर चढ़ जाता है और तुंग के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। इन सबको मारने के बाद वह बोट के ऊपर आता है। वह वहां उस गैंग के लोगों को देखता है जो अपने हाथ में हथियार को लिए खड़े थे। उधर पुलिस को भी टुंग के इस जगह के बारे में पता चल गया था और वे भी यहां आ चुके थे, लेकिन उनका सामना पहले उस लेडी से होता है जो उस गैंग का देखरेख करती थी। वह लेडी उस पुलिस को मारने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस मौका पाकर उस लेडी को मार देता है। उधर लैम टुंग के गैंग के साथ अकेला फाइट कर रहा था। इनके बीच एक लंबी फाइट होती है। लैम अपने पुराने दिनों को याद करता और तुंग को जान से मार देता है और उसे बोट से नीचे फेंक देता है। लू वहां से भागता हुआ एक केबिन में आता है। यहां वह हाइड और कुछ अन्य लड़कियों को देखता है। वह उन सबको बाहर निकालता है। तभी तुंग की गैंग का एक आदमी हाइड को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है, जिसे देख लम हाइड को बचाने के लिए भागता हुआ उसके पास आता है। लेकिन वह कहता है, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो हम हाइड को जान से मार देंगे। तभी हाइड उस लड़के के हाथ में काटती है और तभी लाम उस पर हमला करता है, लेकिन वह बच जाता है और वह हाइड को बोट से नीचे ढकेलने ही वाला था। लाम उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वह नहीं मानता है। अब वह हाइड को ढकेलने ही वाला था तभी पीछे से एक पुलिस उस पर अपनी गन से सूट करता है। वह गोली सीधा उसके सीने में लगती है जिससे वही उसकी मौत हो जाती है और हाइड अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। और अब वे वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह वे दोनों अपने पुराने गांव आते हैं और हाइड यहां अपनी मां की पूजा करती है। उसे यहां ऐसा एहसास होता है कि अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज इन सब का जीवन कितना खुशहाल होता। लेकिन फिर भी उसका पिता अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश था और अब वे एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और मूवी इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाती है।